बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में आप सब लोगों का वेलकम। और आज 2 अप्रैल 2021 के लिए प्रभु का वचन जो मेरे और आपके लिए है प्रॉमिस वर्स। और आज मेरे प्रियो गुड फ्राइडे है और मैं आप सब लोगों को हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे विश करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आज का जो प्रॉमिस वर्स मेरे और आपके लिए है जो मैं प्रभु की ओर से आपको देना चाहता हूँ वो हमें मिलता है भजन संहिता 145। और भजन संहिता 145 और उसके 13 पद से और 21 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 145 और 13 पद से 21 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लिखा है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा में है। जितने उसको पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वता धन्य कहते रहें। हालेलुया। प्रभु के इन वायदों के लिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज स्पेशल डे है और आज स्पेशल डे पर स्पेशल प्रॉमिस वर्स परमेश्वर मेरे और आपको मुझे और आपको दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। लिखा है कि वह गिरते हुए को संभालता है। यदि आप आज गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु आपको संभालने के लिए तैयार है। यदि आज आप झुका हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु आपको सीधा खड़ा करने के लिए तैयार है। प्रभु आपकी ओर अपनी आंखों को लगाए हुए है। प्रभु आपको आहार देने के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद है। प्रभु अपनी मुट्ठी को खोलकर आपको तृप्त करने के लिए मौजूद है। प्रभु अपने लिखा है सब गति में धर्मी है। हालेलुया। और अपने सब कामों में परमेश्वर करुणा में है। हालेलुया। और सीक्रेट क्या है? देखिए यहां पर प्रभु के वचन में 3 वचनों में हमको ये 3 मुख्य बातें जो है वो पता लग रही हैं। 18, 19 और 20 पद में। 18 पद में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वे सबों के वह निकट रहता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं लेकिन कितने लोग उसको सच्चाई से पुकार रहे हैं? लिखा है अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। तो पहली बात, हमें परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना है ताकि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे सके। दूसरी बात 19 पद में हमको मिलती है, लिखा है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। आज सब चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उनकी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं, उनके सपने पूरे हो जाएं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या बताता है कि वो किसकी इच्छा को पूरा करता है, वो किसके मनोरथों को पूरा करता है? लिखा है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा को, जो उसका भय मानते हैं उनकी इच्छा को वो पूरा करता है, जो उसके वचन का पालन करते हैं। हालेलुया। और 20 पद में लिखा है, वह अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता परंतु वह सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। यहोवा अपने प्रेमियों की रक्षा करता है। उसको सच्चाई से पुकारना, उसका भय मानना और उससे प्रेम रखना, यानी उसके आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को, सभी आज्ञाओं को पूरा करना। हालेलुया। तब जो है हम इन सब वचनों को, इन सब वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे यदि ये तीनों बातें हमारे जीवन में मौजूद हैं। आमीन। तो यही प्रश्न आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज का जो वायदे का वचन हमने प्रभु की ओर से लिया है
कि किस प्रकार हम इन सभी वायदों को, जो प्रभु कहता है कि वो गिरते हुए को संभालता है, वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, वो सबों की ओर अपनी आंखें करता है, वो उनको आहार समय पर प्रदान करता है, वो अपनी मुट्ठी खोलकर जो है सब प्राणियों को तृप्त करता है, वो अपनी गति में धर्मी है, हालेलुया, और अपने सब कामों में वो करुणा में है। किस प्रकार हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पा सकते हैं, किस प्रकार परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करेगा, और किस प्रकार जो है हम जो है हमारी दुहाई को परमेश्वर सुनेगा, कैसे ये सारे वायदे हमारे जीवन में हम पूरे होते हुए देख सकते हैं, वो कौन सी तीन बातें हैं जो आज हमने सीखी हैं और हमें करने की आवश्यकता है। यदि आपने मिस किया है दोबारा से ये वीडियो देखें, ये तीनों बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, और कमेंट कर ज़रूर अपने आंसर को आप इस वीडियो के नीचे YouTube पर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी गुड फ्राइडे, मे गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू।